ध्यान दीजिएगा, 1.3 के 6 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन आपके पास पीडीएफ द्वारा भेज दिया गया है, पहले समझा दिया गया था। उसके बाद होमवर्क के लिए कुछ समान सवाल दिए गए थे, वो आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो मिला लीजिए, कर लीजिए, करे हैं तो मिला लीजिए। 6 तक हमारा काम पूरा हो चुका है, मैंने पीडीएफ भेज दिए हैं। अब इसके बाद में सवाल नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपके जो हैं 5 सवाल हैं जो हमें करने हैं। देखिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ है 5, 6, 7, 3, 4, यानी ये जो है वंस पे, ये टेंस, 100, 1000, 10,000। तो जो जिस नंबर पे है उतने ही नंबर की उसमें गुणा, यानी 5, 10,000, 10,000 की मल्टीप्लाई होगी, 6 पे 1000 की मल्टीप्लाई होगी, 7 पे 100 की मल्टीप्लाई होगी, 3 पे 10 की, 3 इसमें नहीं है, 10 पहले दिया हुआ है, 3 भर देंगे, और 4 पे 1 यानी 1 की मल्टीप्लाई होगी। इस प्रकार से जो है ये डी तक के सवाल आपको करने हैं। देखिए किस प्रकार से, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, वंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 5, 10,000 भी, यहाँ 10,000 ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद में 6 है, ये 5 है तो यहाँ 5 है, ये 6 है तो ये 6 है, 6 के बाद में 1000 है, ठीक है, ये 7 है तो यहाँ 7 भी है, 7, 1, 10, 100, तो यहाँ 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद में 3 चेक किए, 3 नहीं है तो 3 डाल दीजिए, और 1, 10, 10, 1, 10 की गुणा होती है, इसमें हो रही है, और 4, 1 से तो 4, 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 1, 10, 100, 1000, तो 8 में 1000 की मल्टीप्लाई होगी, 2 में 100 की होगी, और 4 और 7, 7 ही पूरा है। इस प्रकार से 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 1 में जो है 10,000 की मल्टीप्लाई होगी, और इसके बाद सब 0 हैं कोई, तो 3 10s पे तो 10 की मल्टीप्लाई होगी, और 6 1 पे हो गया है। इसी प्रकार से आपको जो है ये इसके डी भी करना है अपने आप, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 8 देखिएगा, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है आपको। तो मैं बताना चाहूँगा आपसे, इसके दो तरीके हैं, जिन बच्चों का कैलकुलेशन कच्चा है वो एक काम कर सकते हैं कि अपनी लाइन खींच लीजिए, इस प्रकार से लाइन खींच दी, खींचते चल जाएं, और ये जो 6000 है इसमें उठा कर रख दीजिए, इधर से 0, 0, 0, 6 यहाँ रख दिया, अब 30, यानी इसके नीचे जो है यहाँ 0, 0, 3 रखेंगे, और ये जो 40 यानी 0 और 4 यहाँ आ जाएगा, और 7 यहाँ आ जाएगा, यानी इसका मतलब जो है इसे यहाँ जोड़ लेंगे, इस पर 7, 4, 3, 6, इसमें गलती होने की संभावना नहीं होती। इस प्रकार से आप इसे दिखाएंगे तो नहीं, ये रफ्तार ये है, पर इसे इस प्रकार से ही करेंगे, यानी इसका आंसर आया 6, 3, 4, 7। इस प्रकार से जो है इसके बी और सी करेंगे आप सवाल, डी भी ऐसे करेंगे, और इसका जो है ई भी ऐसे करेंगे। इसके लिए बहुत सारी लाइनें खींच पड़ेंगी आपको। देखिए मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 7, 8, देखिए 0 कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 और 6, 3, 5, 6, 6, 0 हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, उसके बाद 6 यहाँ, यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 50, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6 यहाँ आ गया, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 6 यहाँ आ गया, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 6 फिर यहाँ, 1, 2, 6 यहाँ, और 6 और 6। इस प्रकार से आप जब जोड़ेंगे इसे, ये रफ काम कर रहा हूँ मैं केवल, तो आ जाएगा आंसर 6, 6, 6, 6, 6, 6 और 1, 6, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए 9th सवाल, इसमें जो हैं
3701442 की पहले इस वैल्यू ऑफ 2 sevens यानी 2 7 दिए हैं इनकी पहले वैल्यू, तो इसकी हो जाएगी 1s 10s, यानी यहाँ हुआ है 10s पे, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 70, और यहाँ हुआ है 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh। ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो है इसके पीछे 6 अंक हैं, ये 7 रुपये खुद ही है, तो यानी 6 0 2 3 4 5 और 6 0, यानी 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया दोनों। अब देखिए 10वां सवाल क्या है, 5437 की पहले इस वैल्यू और 4 की पहले इस वैल्यू क्या आएगी, 4 और 2 0 पीछे हैं, तो आंके 2 0 या 4 × 100, फेस वैल्यू 4 की 4 ही होती है, तो क्या इसका आंसर आएगा, सो द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, डिफरेंस देखना है तो 4 0 0 - 4 ये हो गया, 10 × 4 = 6 और 9 3 9 6 इसका आंसर आ गया। देखिए मैं आपको ये 11 सवाल जो हैं एक एग्जांपल के तरीके समझाना चाह रहा हूँ, इसने सवाल में कहा क्या है पहले समझ लीजिए, इसने कहा हाउ मैनी 8-digit number आर देयर इन ऑल, सभी अंकों में 8 digit के नंबर कितने होते हैं, यानी जैसे मैं कहूँ 1 digit के नंबर कितने हैं, आप बताइए मुझे 1 digit के नंबर कितने हैं, 1 digit के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 digit के नंबर हैं। अगर मैं 2 digit की बात करूँ तो 2 digit 10 यहाँ से 11 से लगा के और जी लगा के 99 तक, उसके बाद 100 नहीं होता है ना, तो 2 digit नंबर आपके जो है 2 digit नंबर कितने हो गए, 1 digit नंबर हुए 9 और 2 digit नंबर कितने हुए, तो अब जो हैं 1 से लगा के 99 तक के 99 अंक होते हैं, 1 से लगा के 99 तक के 99 अंक होंगे ना, इसमें से 9 निकाल दीजिए तो 99 - 9 = 90 हो गया। तो अगर हम 2 digit पे काम करें, किस 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो कुल मिला के 90 होती हैं। इसी प्रकार से क्या किया कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो 2 digit का लार्जेस्ट नंबर में से 1 digit का लार्जेस्ट नंबर घटा दिया, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ 8 digit number 8 digit के कितने नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 digit नंबर क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 digit नंबर हैं, मैं से घटा दो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 digit नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 जब घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0 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 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, तो 1 2 3 4 5 6 फिर 0 और फिर 9 बचा, ये इसका आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.3 पूरी होती है, जो सवाल SW लिए दिए हैं ये करने हैं पूरे। ओके।